हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पूरी वीडियो बने रहना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ हार्वेस्टिंग करने। तो इस गार्डन की सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग आज की होने वाली है। और हार्वेस्टिंग करने से पहले मैं आपको अपराजिता हर श्रृंगार के फ्लावर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लावर ये खिल चुका है, ये कल खिला था, इसको शूट कल दिखा नहीं पाई थी मैं आपको। एक ये है और इसकी बेल काफ़ी लंबी है ना, जाने लग गई ऊपर तक, और ऊपर कद्दू के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए फलियों में कितनी सारी है ना जो फ्लावर खिले हुए हैं। बस वो ये कि छाछ वगैरह डालती हूँ, ऑर्गेनिक खाद डालने का ही नतीजा देखिए, और भर के ना जो इसमें वो आ रही है फलियाँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं फलियाँ हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, फली के बाद में लौकी की हार्वेस्टिंग होगी। सबसे पहले फली की फली को ढूंढना पड़ेगा, इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साफ स्पष्ट दिख रही है। तो ये देखिए, तो इसको हार्वेस्ट करेंगे अभी। और इसकी बेल देखिए कितनी लंबी जा रही है, ये देखिए ऊपर तक, और ये देखिए इधर। आज तो फ्रेंड्स उसके फूल भी खिले हुए हैं पर्पल हार्ट के, ये देखिए। कद्दू के तो खिलते हैं, पर ये मेली मेली फ्लावर है, ये देखिए। और थोड़ा सा आपको इधर दिखाती हूँ, कद्दू की ग्रोथ देख लीजिए, ये देखिए, ये देख लीजिए। और देखिए फलियाँ खूब भर भर के आ रही है, तो इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए टाइम तो बहुत सारा लगेगा मुझे, पर आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फली की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज की जो हार्वेस्टिंग है ये मेरी जा रही है कोटा। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी आई हुई है, तो मैं बेटी सूट कर रही है मेरा। तो ये देखिए फलियाँ तो फ्रेंड्स इतनी सारी आ रही है, ढेर सारी, और मैं इतनी खाते रहते दिन भर ही कि मानिए कि ये वाला जो बीज है मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। और क्या है, थोड़ी सी है कि थोड़ी केयर करनी पड़ती है, थोड़ा बेलों को थोड़ा चढ़ाना पड़ता है, पिंचिंग करना पड़ता है, और कीड़ों के लिए आपको पता है कि मैंने जो चूल्हे की राख होती है, लकड़ी की राख होती है, उसका छिड़काव किया था। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैंने जितनी भी सब्जियां ऑर्गेनिक ही लगा रही हूँ। तो बस यही है कि छोटी छोटी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यही है कि टाइम टाइम पर डालने से देखिए, सब चीज़ का करने से मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है कि देखिए ढेर सारी फलियाँ। और फ्रेंड्स, आधी फलियाँ तो मैं यूँ ही खा जाती हूँ। और ये देखिए, ये लौकी की हार्वेस्टिंग होने जा रही है और ये जाएगी कोटा। तो ये देखिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग मेरी कोटा जा रही है। बच्चे सोचेंगे मम्मी कुछ ना कुछ तो कर रही है। तो ये देख लीजिए, ये कट गई, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स, घर की जो लौकी होती है बहुत टेस्टी होती है और जल्दी ही पक जाती है। तो ये देख लीजिए आज की हार्वेस्टिंग कितनी सारी अच्छी निकल चुकी है, और ये जाएगी कोटा। देखिए फ्रेंड्स, बेटी आई हुई थी मेरे साथ है, तो अब ये जा रही है कोटा। फटाफट से मैंने हार्वेस्टिंग करके फली दे दी, इसको लौकी भी दे दी है। तो यही है कि थोड़ा सा घर में ये ऑर्गेनिक सब्जियों खाने का मजा आया, तो फटाफट तैयार हो रही है ये। और एक बार और दिखा देती हूँ कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग निकली है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेके आ चुकी हूँ हार्वेस्ट करके फटाफट से, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दो दिन बाद मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं ना तीन चार हार्वेस्टिंग एक साथ ही दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेट की भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि नेटवर्क ही नहीं आता। तो ये देख लीजिए, और फलियाँ तो इतनी ढेर सारी आ रही है फ्रेंड्स, अनकंट्रोल। तो देखिए कुछ पत्ते वगैरह भी काट दिया, पीले पड़ गए हैं जो, और देखिए कुछ में तो थोड़ा लग चुका है, मतलब एक बारीक बारीक चिपके चिपके कीड़े होते हैं, तो मैं उसका राख का भी छिड़काव कर दूँगी इस पर। और फलियाँ देखिए पकी पकी भी थोड़ी कुछ बीज के लिए रखूँगी, ये वाला बीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और खाने में भी बहुत मीठी लगती है ये वाली। और ये तो फ्रेंड्स फलियों को तो ठिकाना ही नहीं है, इतनी सारी ढेर सारी निकल रही है। तो देख लीजिए, मैं इसमें से कुछ बीज के लिए भी रखूँगी, और पत्तों के बीच में दुब जाती है ये। तो फ्रेंड्स, मेरे को गाँव में जो खेती, मतलब खेती एक तरह से वही मान लीजिए जगह, वहाँ कोटा में थोड़ी जगह की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर मुझे जगह काफ़ी सारी मिल चुकी है। पर यही है कि अब बच्चे साथ में नहीं है, पर यही कोई बात नहीं, बच्चों को मैं भेज देती हूँ सब्जियाँ। पहली बार मेरे इतनी सारी है ना जो
चोले की फली लग रही है, क्योंकि ज़मीन में काफ़ी स्पेस होता है और फैलने के लिए जड़ें काफ़ी अच्छी फैल जाती है। और दूसरी बात क्या है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना छाछ का जो लिक्विड खाद डालती हूँ तो वो मुझे बहुत ही फ़ायदे कर रहा है। और फलियाँ भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स कितनी आ रही है, ढेर सारी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखिए ढेर सारी फ्रेंड्स। मुझे कद्दू का आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। और क्या है कि थोड़ा सा मतलब इसकी जब हार्वेस्टिंग होती है फ्रेंड्स, उस टाइम इसका जो छिलका होता है ऊपर वो शाइनिंग वाला होना चाहिए, ज़्यादा अगर रुखा रुख हो जाएगा तो बेकार लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ, सोचा नहीं था कि आज ही मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी, पर यह है कि कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग करते तब ये देखिए शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है, फिर क्या है कि थोड़ा पकने का वो रहेगा इसका। तो ये देखिए अभी इसका टाइम है हार्वेस्ट करने का। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 किलो का समथिंग तो होगा, ये देख लीजिए, ये देखिए। और फ्रेंड्स आज ही एक लौकी आ रही है, उसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, ससुराल है मेरे यहाँ पर, तो चलिए लौकी को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं आज। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इधर बरबटी, ये देखिए शाम को सब मैंने कर दिया था इनको काफ़ी हद तक ठीक। और ये देखिए लौकी जी है, तो फ्रेंड्स इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अभी इस टाइम हार्वेस्ट करेंगे तभी जाके ये सही लगेगी, नहीं तो फिर पकने जैसा चांस हो जाएगा इसका। तो ये देखिए यहाँ से इसको हार्वेस्ट करना है, प्यारी लौकी निकली। फिलहाल तो चलते हैं, इतनी गर्मी लग रही है मुझे कि हद से ज़्यादा ये लौकी लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साल की सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग मेरी निकल चुकी है। और फलियां तो फ्रेंड्स अभी आने आगे भी आपको फलियां ही तोड़ती मिलूंगी, क्योंकि फलियों की तो अनगिनत फलियां आ रही हैं। और देखिए लौकी है, कद्दू है, ये 3 वेजिटेबल है। और फ्रेंड्स ये मैंने तीनों में से मैंने एक भी नहीं बनाई, मेरे पड़ोसियों को मैंने दे दी थी, कुछ मैंने घर में भी दे दिया है। और मैं फ्रेंड्स मैं अकेली रहती हूँ फिलहाल, बेटी को मैंने पिछली बार भेज ही दिया था, तो रोज़ रोज़ तो मेरे कोटा से कोई आएगा नहीं। तो यही है कि आस पड़ोसियों भी को खिला देती हूँ, कुछ मैं भी खाती हूँ। और अभी तो फ्रेंड्स अक्टूबर में कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई जाती है फ्रेंड्स, उनका उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अक्टूबर ही लास्ट होता है कि सब्जियाँ डालने का, नहीं तो लेट हो जाते हैं फिर। और मैंने काफ़ी सब्जियों के बीज डाल दिए हैं फ्रेंड्स, पर यह है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो डालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एयरटेल का तो फ्रेंड्स यहाँ पर गाँव में एक बार 1% नेट नहीं आता मेरे, बस जियो का है, तो जियो से ही मेरा काम चल रहा है, इससे मैं वीडियो डाल पाती हूँ। और फ्रेंड्स मैं जो 1 मिनट की जो वीडियो डालती हूँ उसके लिए भी मुझे कम से कम 1-1 घंटा आधा आधा घंटा लग जाता है मुझे 1 मिनट की वीडियो डालने में, शॉर्ट वीडियो में भी। तो फ्रेंड्स मैं नेट से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स मैं रोज़ वीडियो डालने की सोचती हूँ, बस यही है कि नेट की इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये देखिए फलियाँ फ्रेंड्स, इस 1 हफ्ते के अंदर मैंने कम से कम 3-4 बार मैंने हार्वेस्टिंग करी है खूब सारी। और ये देखिए फिर छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और देखिए फिर से ये फलिया हो गई है। तो फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।